सहारनपुर के थाना तीतरो क्षेत्र के बरसी रिजवाहे की पटरी पर कल देर शाम को तमंचे के बल पर दंपति से तीन बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस व एसपी देहात सागर जैन ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ितों से जानकारी ली। एसपी देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने दंपति से करीब 9000 रुपये की नकदी व सोने की चेन और कुंडल लूटे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। ये आज थाना तीतरो क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरसी में एक युवक ने थाने पर सूचना दी कि जब वो उसका भाई छोटा और उसकी जो धर्मपत्नी एक बाइक पे जा रहे थे अपने गांव माधोपुर की तरफ से, तो उनके पास जो है तीन व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोककर उनकी बाइक से और उनको तमंचे के बल पर जो है चक्रोड के सहारे 100 मीटर अंदर खेत पर ले गए और वहाँ पर उनके साथ लूटपाट की घटना करी है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 8-9 हज़ार रुपये जो कैश हैं वो ले गए हैं और जो उनकी जो धर्मपत्नी जो गहने पहनी हुई थी, जैसे कि एक चेन थी और दो कानों के कुंडल, ये लेके चले गए हैं। और इस सूचना पर तत्काल थाना तीतरो की पुलिस एवं सीओ गंगो एवं मेरे द्वारा एवं हमारी फील्ड यूनिट सर्विलांस यूनिट इनके द्वारा भी मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनकी तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसका मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धन्यवाद। सहारनपुर में आंगनबाड़ी आशाएं व सहायक शिक्षकों ने नशे के विरुद्ध शहर के विभिन्न स्थानों से रैली निकालकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया। आंगनबाड़ी परिवीक्षा बाल विकास योजना से पुष्पा रानी ने बताया कि इस रैली का मकसद लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक करना है। जिस प्रकार से नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नई पीढ़ी नौजवान बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। लोग आए हैं आज यहाँ पर एक युद्ध नशे के विरुद्ध रैली का आयोजन किया गया था और इसमें सबसे पहले तो सभी जगह के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे सत्ययुग मॉडल आश्रम स्कूल में। इन नारों के साथ रैली शुरू हुई थी, कुछ पल का नशा सारी उम्र की सजा। कौन सा? कुछ पल का नशा सारी उम्र की सजा। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्ति हो अपना देश। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्ति हो अपना देश। नशा नहीं अनमोल जीवन चुनिए, छोड़ो नशा और शराब ना करो जीवन से खराब। नशा छोड़ो, सबसे रिश्ता जोड़ो। तो नशा हमारे देश में एक बहुत रद्द अपना ले चुका है, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सब नशे की तरफ जा रही है। हमें उन सबको वहां से बचाना है, उन बच्चों को जो प्रभावित हो रहे हैं उन बच्चों को वहां से हम लोगों को हटाना है। ये हम सबका संदेश है, तभी हम लोग कुछ ना कुछ अपने देश को बचा। सहारनपुर में नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश है कि झोला छाप डॉक्टरों को किसी भी सूरत में ना बख्शा जाए, लेकिन इसका फायदा सिर्फ सीएमओ कार्यालय को हो रहा है। जो झोला छाप डॉक्टरों इनकी मंशा को पूर्ण नहीं करता, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्यवाही की जा रही है। जिनसे ये लोग मलाई चाट रहे हैं उनके खिलाफ आखिर क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है? संजय वालिया आज यहां कोर्ट रोड स्थित एक प्रतिष्ठान पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रधान गयूर, प्रधान बीना सैनी, प्रधान राजेश कश्यप, जावेद प्रधान मौजूद रहे। आज एक प्रेस वार्ता इस बात को लेकर कि हमारे जो सीएमओ सहारनपुर हैं कहीं ना कहीं निरकुश हो गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस देने लगा कि तुम तानाशाह हो गए हो, किसी की बात नहीं सुनना, किसी की बात पे कार्रवाई नहीं करना। और जो योगी जी ने एक फरमान आदेश दिया है कि जितने भी शहर के अंदर झोला छाप हों, गैरकानूनी अल्ट्रासाउंड सेंटर हों, अस्पताल हों, सबको बंद किया जाए, इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाकर जो उल्टा गेम खेलना शुरू कर दिया है योगी जी के नाम पर। जहाँ जहाँ जो अल्ट्रासाउंड सेंटर या जो अस्पताल पैसा देने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें लूटने का काम करने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसा लेने का लगातार काम कर रहे हैं, जबकि एक एक मोहल्ले में 20-20 लगभग ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े अस्पताल स्थापित किए हुए हैं, तब भी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई का दिखावा कर सिर्फ उन अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने या तो अभी खोले थे या छोटे हैं, जहां से उन्हें पैसा मिलने का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन अस्पतालों को टारगेट करते हैं। और दूसरा पूछना चाहता हूं मैं सीएमओ साहब से कि वो कौन सा तरीका है कि आज सहारनपुर की थाना नानौता पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन शातिर वाहन चोर सोनू पुत्र धर्मपाल,
संदीप पुत्र राजवीर सिंह व अश्वनी उर्फ बिट्टू पुत्र ओम प्रकाश को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी का इंजन भी बरामद किया है। Thank you.